क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें इस एक्सप्रेशन यानी इस व्यंजक को सिंप्लीफाई करना है, जिसको हम बोडमास के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करेंगे। बोडमास में बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। कोष्टक का भाग, गुणा, जोड़, घटाना। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट को, कर्ली ब्रैकेट में भी सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को, और राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले मल्टीप्लाई को। कोष्टक में भी सबसे पहले मझले कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, मझले कोष्टक में भी सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व किया जाएगा, छोटे कोष्टक में भी सबसे पहले हमें गुणे की साइन को सिंप्लीफाई करना होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2.6 में 1.12 का। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी 2192 और पॉइंट है थ्री डिजिट्स के बाद, तो -2.912 और आगे है 2.1, यानी ये राउंड ब्रैकेट हो गया। तो इन दोनों को हम अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो राउंड ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जो कितना होगी -0.812। तो जो राउंड ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई -0.812। अब हम ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 0.6 में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.812 से। तो नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएगा यहाँ, यानी 0.812 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो 6 × 12 की 1.748। ये वैल्यू हो जाएगी 0.4872। तो अब जो कर्ली ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हो गई 2 − 0.4872 और आगे है 5.6 और यहाँ माइनस। अब माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे माइनस साइन से, तो नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, यानी 5.6 माइनस 2 प्लस 0.872। जब 5.6 को माइनस करेंगे 2 से तो यहाँ 3.6 आएगा प्लस 0.4872। वैसे हमें ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि हमारा बी ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी हम ऐड कर देते हैं, 3.6 को ऐड करना है 0.4872 से, ये वैल्यू आ जाएगी 4.0872। आंसर हो जाएगा हमारा 4.0872, ऑप्शन बी।